को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ करना होता है तो कोई ना कोई जरिया बनता है, कोई ना कोई साधन बनता है। आप कोई भी काम करना चाहिए
उसकी साधन से या शरीर से करेंगे या मन से करेंगे या किसी की सहायता से करेंगे। कोई भी काम किया जाता है जिन्हें डेली में सोच लो तो किसी की सहायता से या धन से या अपने काम को व्यक्तिगत रूप से आर्थिक रूप से और अन्य की सहायता लेकर आप भगवान के जो काटे वो किसी अपने ज्ञान से किसी और से नहीं, क्योंकि भगवान की सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान है। मैं दो अगत्य भगवान के लिए बता रहा हूँ आपके अपने रोज काम आएंगे कि आप सर्व समर्थ बेचाय कर दिखाए और सर्व शक्तिमान जिनमें जो दो मुक्ति है उन्हें भगवान के सिवा हम किसी और शब्द से नहीं पुकार सकते। उनके लिए उपयुक्त यात्रियों के वर्ण भगवान है, सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ। ये आप किसी देवी देवता के लिए भी नहीं कह सकते, किसी सेवा वाले के लिए भी नहीं कह सकते। हाँ सिर्फ सेवा वाली सर्वसमर्थ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। बाकी बनाने में ये बड़ी बना के पाप के भागी बन जाए जिसके देवी को बनाया गए वो है सर्वसमर्थ। देवी तो उनके हाथ की काट कितनी है, देवी तो उनके चरणों की दासी है नारायण जी की। देवी को इतना आदर मुझका सेना दिया करो क्या देवी खुद निराश होगी और भगवान भी निराश होती है। जगराती वालों ने कोई ऐसी मूर्खता कर रखी है आप उसे जमीन डाल रखता है। ये देवियां जैसे सूर्य की किरणें होती है किरणों की तरह है, देवियां भी देवता भी जस्ट लाइक यूज ऑफ दन रेज ऑफ दन जैसे किरणें दिखती है। इस तरह भगवान ने जगत के कल्याण के लिए अपने में से इनको प्रकट किया है। नारायण जी ने नारायण कौन सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान, इसलिए वो जो चाहो कर दिखाओ। अच्छा तो भगवान ने अपने में से ज्ञान प्रकट किया है, सारी सृष्टि उनके अपने में से निकली है। और मैं अभी इस विस्तार को नहीं लेना चाहता, मैं आपको बिल्कुल इसी घेरे में रखना चाहता हूँ। गीता का उपदेश केवल दुखों के जड़े काटने के लिए है, वो तो फिर नहीं आएंगे। हम भी करते हैं ना धन कमाई या फिर फिर घर के हो गया फिर घर में बीमारी आ जाएगी फिर ऐलान कर लिया फिर घर में बुराई झगड़ा हो जाता है फिर कोशिश या मुकदमे कर देती है फिर अपनी अच्छी बहुत जो है खिलाफ जाती है। हम दुखों की शक्लें बदलती जा रही है जो घर में होती है कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। भगवान ने जो तरीका बताती है वो दुखों को जड़ी कर जाती है। आगे बढ़िए भगवान के उपदेश द्वारा ज्ञान द्वारा दुखों की जड़ें कटती है। अच्छा अब तीसरा दुख स्वभावे कहें या अस्वभाविक, यह आमतौर पर आके कोई दुखों में हिस्सा होता है और भी नेचुरल और नेचुरल नेचुरल और नेचुरल ये सारे रिलीज अजाइक्रीज इनको हम क्या कहें नेचुरल हो या अनिचुरल है नहीं मिट्टी अनिचुरल है अस्वभाविक है। आप इससे बड़े मिट्टी थोड़ी छात्र से मान लिया करो जो चीज स्वाभाविक होती है हाँ वो कभी दूर नहीं होगी अस्वाभाविक दूर हो सकती है। हाँ जो चीज स्वाभाविक आप कैसे अस्वाभाविक कहते हैं और नक्सल कहते हैं मैंने मुबारक पिछले में रख लिया तो ये क्या ये मैं जन्म लेने की बात नहीं लेके आया ये मैंने अपने ऊपर सुपर इम्पोज किया है क्या जन्म पूछे मैंने अपने ऊपर आरोपित किया है किसी ना नेचुरल रुमाल अनेचुरल मैंने खुद ही अपने ऊपर रखा है मैं खुद ही उसको अपने से हटा सकता हूँ। हाँ और अगर कहो कि वाल बिल्कुल न रहे ये नहीं हो सकता वाल मैं लेके पैदा हुआ हूँ ये नेचुरल है बाई नेचर बाई बर्थ बाई नेचर बाई बर्थ ये मेरी जन्म से हम सबके बाल होते थे बाल चाहे जब बाल ही नहीं बाल कटवा सकते लेकिन बाल हटा नहीं सकता बाल कटवा सकता हूँ लेकिन बाल जल सिंह जा सकते क्योंकि ये नेचुरल है जो चीज नेचुरल होती है मन में रखी वो कभी नहीं जाएगी जो स्वभाविक होगी वो कभी नहीं जाएगी जो हम ऊपर इम्पोज करेंगे आरोपित करेंगे वो जाएगी लेकिन बोलेंगे सुपर इम्पोज या अपनी भाषा में कहेंगे आरोपित आरोप करना ऊपर से चढ़ाना ऊपर चढ़ाना जैसे कि हम चांदी के सोने का पानी चढ़ा जो मुलम्मा करती है मुलम्मा चढ़ाना गीत करना लेकिन जो चांदी में जो चमक आई है तो वो सोने की चमक है चांदी की नहीं इसलिए कुछ लोग के बाद निकल जाएगी उनसे चांदी निकल आएगी।
लेकिन सोने को जितनी मर्जी लग लो चमक बढ़ेगी, चमक बनी रहेगी, क्योंकि वो चमक उसकी स्वाभाविक है। अब आप समझ जाएंगे कि दुख स्वाभाविक नहीं है, दुख हमने अज्ञानता से बना लिए हैं। वाह वाह, ओ मेरी कल्याण का जनता, अभाग्यशाली व्यक्तियों, आपके राज की बातें नारद जी की बताकर आपके जीवन में नई बहार नई खुशी ले आती है। गीता हमारी जीवन में नई बहार लाती है, नई खुशी लाती है, नई प्रसन्नता लाती है, नया हर्ष उल्लास ले आती है। अगर मैं जरूरी बढ़ा के बात करूं, मैं बहुत आपका भाग्य नहीं, मैंने खुद अनुभव किया और वही आपको बता रहा हूं। जो बात मेरे अनुभव में आई है वही मैं जोरदार शब्दों में निर्धारित होकर निर्भय होकर कह सकता हूं। गीता हमारे जीवन में नई बहार, नया निखार, नई बहार, या तो शब्दों की पहुंच में प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। तो बड़ी शानदार लाई है, हम इसे रेवल्यूशन कहें नहीं, मुझे लगाना पैसा देखते हैं ग्रीन रेवल्यूशन, न तो बड़ी रेवल्यूशन बट ग्रीन रेवल्यूशन। आहा, ऐसी तरह ताजगी लाती है, सदा बनी जाती है, एक तरह ताजगी होती है घंटे की। अच्छा, तुम्हारे भगवान की ज्ञान से जो तरह ताजगी होती है फॉरएवर, सदा के लिए तरह ताजगी आती है। ये स्फूर्ति हमें कमन इनकम अटर्नल साबित होती है। अफसोस, जिस भारत में उपदेश हुआ गीता का वही भारत में भूल के जाते, ये मेरे मन में दो चोट लगती है। तो धर्म को भी भारत की वासी यानी भारत की भूलती जा रही है, इसको भूलना तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लो, क्योंकि यही तो एक सोर्स है सुख शांति आराम और चैन का, सपा और तो कोई जरिए नहीं, और कोई तरीका नहीं है। तो मेरे नए आने वाले और कितनी गीता क्या है, गीता ज्ञान का भंडार है, जिसका ज्ञान और ज्ञान करते उच्च विचारों को, ज्ञान नहीं ज्ञान सिकल्प में आपको बड़ा क्लियर कर रहा हूं, हाई थिंकिंग, हाई डिवाइन थिंकिंग, हाई डिवाइन थिंकिंग, उच्च विचार भी न कहूंगा, उच्च गरीबी विचार, गरीबी विचार, हाई डिवाइन थिंकिंग, जिसके परे और कोई हाईएस्ट नहीं हो सके, इसलिए कहती है चल सीमा, हम ऐसे बोलेंगे क्लाइमेक्स या जीनेट। अच्छा, तो मैंने अभी भी कहा दुख स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक क्योंकि हमने खुद लिए हैं दुख, ये हमें मानते बाबा, हम खुद शांत रहिए, फिर आप उनके क्या कीजिए, कैसे नहीं मानते। अगर दुख स्वाभाविक न होते तो आप तो थोड़ी देर बाद मर जाते, अगर अस्वाभाविक न होते, मैं ये कह रहा हूं, अगर दुख अस्वाभाविक न होते इंसान जिंदा नहीं रहता। क्यों? इंसान का जीवन बहुत ही गंदा और न जीने का काबिल रहता। हम दुखों को थोड़ी देर के लिए दूर नहीं कर लेते क्या? तो थोड़ी देर के लिए तब ही होते जब हमने गलती से ऐसे यादें ऐसे विचार ऐसे कर्म किए। याद है ना, अशुद्ध पहले हमने इरादा ही अशुद्ध किया, अपवित्र अशुद्ध भ्रांति पूर्ण, हमने इरादा भ्रांति पूर्ण किया। तो पहले मेरा होती है उसके बुद्धि के इरादा से, याद रखना जरा, इंसान के पहली ब्लंडर अर्थात ज्ञानिक भूल कहां से शुरू होती है, बुद्धि के अशुद्ध एवं भ्रांति पूर्ण इरादे से, अशुद्ध एवं भ्रांति पूर्ण इरादे से इंसान ब्लंडर करता है, ज्ञानिक भूल करता है। ज्ञानिक भूल कैसे? वो इरादा इस प्रकार कर लेता है जिससे कि वो मार खाएगा, वो इरादा संसार संबंधी करता है, जबकि संसार हमेशा परिवर्तनशील है, चेंज नथिंग बट चेंज। अगर आप मेरे से पूछे संसार का प्रावाची क्या है, आप कहेंगे जगत, जगत का प्रावाची क्या है, मैं कहूंगा परिवर्तन। हमारे मानसियों ने संसार का प्रायवाची माना है परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन का नाम संसार है, संसार का नाम परिवर्तन है। प्रायवाची सनानी मस, सनानी मस
जैसे रवि रवि का प्रणव से भानु। हाँ, ये दोनों ये एक ही संज्ञा के दो नाम है, एक ही वस्तु के दो नाम, तीन नाम, चार नाम, जितने नाम है बन, कितने बोलते जाओ, रवि बोलते जाओ, भानु बोलते जाओ, सब शक्ति बोलते जाओ, अच्छा दिनाकर बोलते जाओ, दिनेश बोलते जाओ, भास्कर कह लो, ये सब क्या है, आपस में प्रारची है, एक ही अनेक नाम। इस तरह संसार का परिवर्तन ये एक ही अनेक नाम है, संसार में परिवर्तन हो रहा है। जब हम निर्णय करते हैं तो ये बात हमें नहीं मालूम होती, आज दिवस विशेष एकाग्रता से माया इतने पर्दे डाल देती है, माया का सबसे पहला पर्दा बुद्धि पर, अच्छा माया का सबसे पहला पर्दा, माया का सबसे पहला अटैक और नेक जीवो और नेक मेरी बेटी हो, माया का सबसे पहला अटैक बुद्धि पर है। जब बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ जाता है तो खुद भगवान कहती है हर बात उल्टी, हथ में हरित में फतूर वो जाहिल तबाही में हर सुन। जान सुन में आपको रास की बातें जीता जी बता दो, इतना आपके पास टाइम नहीं कि आप रिसर्च करें, ना भी इतनी बुद्धि है कि आप सही समझ नहीं सके। वाह, गीता को समझने के लिए विशेष बुद्धि चाहिए और वो भी सूक्ष्म बुद्धि। मेरा मतलब विशेष और सूक्ष्म बुद्धि को हमारा एक शब्द क्या होता है, मेधावी, बहुत अच्छे, इसका नाम शब्द मेधावी नहीं होता, मेधावी बन जाता है, मेधा शब्द है, मेधा शार्प एंड इंटेलिजेंट, उसे बोलते मेधा इंटेलेक्ट, जो ऐसी मेधा जिसके पास हो वो सब क्या बोलेंगे, मेधा भी सब पास। इस हिसाब से जानकारी कहता जा रहा हूं आपको, ताकि आपकी बुद्धि भी खुल जाए, आपके पास अच्छी आपके राष्ट्रभाषा की रिकवरी हो जाए, शब्दकोश भी आपका अच्छा बन जाए, तो ऐसी मेधावी की बहुत कम होती है। ये मेधावी जन्म से होता है क्या बनता है, मैं बनता हूं, बुद्धि रिसर्च करके मेधावी बनता है। अगर जन्म से होती तो भगवान को पक्षपाती होते, भगवान पक्षपाती नहीं, जीव खुद बनता है, जीव में इतनी शक्ति है कि अगर रिसर्च करें, अनुसंधान करें, शोध कार्य करें तो बुद्धि खुल जाती है, बुद्धि बन जाती है। जैसे लोहे पर लोहे लिए उसको अभी सिद्धांत से काटते छांटते और अपने शरीर पर डालते हैं तो छुरी बन जाती है, लोहे में कोई धार नहीं होती काटते की, बल्कि बनाई जाती है, लोहे में धार बनाई जाती है, काटने की शक्ति शार्पनेस उसमें बनाई जाती है, इस तरह कुछ शार्प बुद्धि बनाई जाती है। अच्छा कैसे प्रैक्टिस में सीमेंट, जी उसका लगातार अभ्यास करता है वो मेधावी बन जाता है। गीता ने अनेकों को मेधावी बना दिया, अनेक सिद्ध प्रज्ञ बन गए, अनेक बहुत ही दूरदर्शी बन गए, अनेक बड़े महात्मा बन गए, छोटी के ब्रह्म ज्ञानी बन गए, ब्रह्म ज्ञानी जी। तो मैं आपके अत्यंकारी के प्रकरण कर रहा हूं, आपका कह रहा हूं, तो ये जितने भी आप कह रहे हैं दुख ये अस्वाभाविक है, ये हमने अज्ञानता से लगाए, हमने इरादे संसार संबंधी किए, संसार संबंधी कोई भी इरादा कर बदल जाएगा, बदल जाएगा तो दूसरी बात को आप कोई भी इरादा करो, आपको पक्का रहने का मैंने मेरे ये हो जाना हो गए, आप इरादा बना तो आप भी होगा, बस करो नहीं सकता, अब आप बहुत पढ़ चुके बस नहीं बदलेगा ये इरादा, यही तो आप देख पाओगे, आप ये हो गए हाँ नहीं मैंने भी याद करना है, अच्छा नहीं मैंने आप एम ए करना है, आप एम ए का नहीं आप मैंने सर्विस करनी है, नहीं जितनी मैं पढ़ी लिखी थी इतनी मुझे नौकरी मिली नहीं, मैंने अप्रोच करनी है, अब देखते हैं आप इस तरह आगे आगे चलते जाओगे, आप संसार में फिर साथ लग नहीं सकता, क्या खाना कुछ नहीं करना हो नहीं सकता, क्यों आपको कहीं से भी तृप्ति नहीं मिलेगी, और जब तक जीव को तृप्ति नहीं मिलती न आवागमन खत्म होना है और न ही इस जन्म में हमें संतोषी बनना। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूं, सामान्य रूप से बात कर रहा हूं, जब तक जीव को तृप्ति नहीं मिलेगी तब तक जीव को संतोष आ नहीं सकता,
उसके विचार सत्सक्षण हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसे जब सत्सक्षण नहीं मैं बैठ जाता हूँ कपिल के लिए, नो सत्सक्षण आगे नो जगत हम जगत पूर्ति, नो सत्सक्षण नो लगा के मैंने कर दी आगे कपिल के लिए इसको लिख स्थान की पूर्ति, नो सत्सक्षण नो नो कंप्लीट नो देखियो उम्र सुन लो, नो सत्सक्षण नो कंटेक्ट। जब आपकी संयोग नहीं होगी तो आप संतोष कैसे होगा? संतोष होता होता है जब जीव को पहले तृप्ति हो जाए, तृप्ति के बाद संतोष होता है। नो सत्सक्षण नो कंटेक्टमेंट, कंटेक्टमेंट से जीव का बड़ा आसान होता है, लेकिन जीव कंटेक्टमेंट तब होगा जब पहले सत्सक्षण मिले। और सत्सक्षण जो छोटी छोटी बात गीता भी थी, क्या सत्सक्षण मतलब तृप्ति इन चीजों से नहीं हो सकती, ये परिवर्तनशील है, यह हमेशा चेंज वाला, माता जी या पिता जी या बहन है इनसे नहीं सकती। माता जी बदल जाती है, पिता जी बदल जाती है, भाई बहन बदल जाती है, पति पत्नी जो कि एक ही शरीर के दो अंग अत्यधिक प्यार है बदल जाती है, वाह हमारी नौकरी बदल जाती है, हमारे इलाके बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाती है, हमारे कर्म बदल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है, एनवायरमेंट बदल जाती है, एटमोसफियर बदल जाती है, देवी देवता बदल जाती है, ब्रह्म विष्णु महेश ये सारे बदल जाती है, हर युग की अलग अलग होती है, ब्रह्म विष्णु महेश बस ये सारे ट्रांसफर हो जाते हैं, बस ये सारी चीजें कलक के जो बाकी है सब इनमें शायद परिवर्तन परिवर्तन नीचे परिवर्तन ऊपर पर एक जाकर जिसे हम नारायण कहेंगे या भगवान कहेंगे ईश्वर कहेंगे उसमें कोई परिवर्तन, अगर उसमें परिवर्तन तो बेरा कुछ कहेगा दुनिया एक सबके तो नहीं टिक सकती। और मैं विस्तार की बिना कुछ दे गए अपने सामने प्रकार का ये प्रकार में तो दोनों सिरे सुई वाले होते हैं, लेकिन एक सिरा तेज होता है, दूसरा सुई वाला नीम का, दूसरे को पेंसिल फिर भी जमा होती है, हाँ उसमें पेंसिल बचाती है, हाँ एक में पेंसिल बचाने की जगह पीछे से एक कर दिया पेंसिल डाल दी बीच में जब पहली बिछाई होती है, एक होता है सुई वाला सिरा। तो अब हमने इतने एक का ज्यादा बात में है और गुलाब का फूल बनाना है, तब आप उसे सर्कल ड्रा करेंगे, हाँ लेकिन सर्कल तब ड्रा होगा जब सुई वाला सिरा आप ड्राइंग पेपर में हिलाए नहीं एक ही जगह फंसा देंगे, तो ये सिरा कायम रहेगा, ये हिस्सा रहेगा, ये इधर से आके चक्कर मारेगा पूरा सर्कल ड्रा करा जाएगा बिल्कुल। और अगर कभी ये सिरा दूसरा भी हिले तो ज्यादा कैसे लगेगा, दुनिया सब चक्कर में जा रही है, इसका एक सिरा भगवान की कर दे, एक सिरा नहीं हिलता, वो नालायक मूर्ख इस धरती पर लोग जो तकती है नहीं भगवान भी चक्कर में आ जाते हैं, नालायक क्यों भगवान के नजर नहीं करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया गर्दश हुई है, तभी गर्दश होता जब एक चीज का हो, एक चीज किसी हो, सबसे गलत ऐसे हो नहीं सकता, तुम लगी तरी बहुत बात करते हो, फिर सोचो रीति सिद्धांत मेरी देवी हम फिर सोचे कितना पढ़ लिखो तो थोड़ी सी बुद्धि भी नहीं खुली, लेकिन मैं कहता बुद्धि गीता से खुलती है, ये दुनिया सारी चक्कर में है तब जब एक चीज तय होगी, प्रकार से एक सिरा चक्कर में है जब तब जब दूसरा सिरा हमने बीच में क्या अपेक्ष किया, जब उन्होंने अपेक्ष जब भी भाषण कहूंगा संलग्न एक सिरा कागज में संलग्न है तब ये सिरा वृत्त बनाएगा, इस सिरे पर घुमाते रहेंगे एक सिरा एक संलग्न अपेक्ष है। अगर सारी चीजें आप चक्कर में मानेंगे संसार को चक्कर, इस सारे को चक्कर में कौन डाल रहा है, कभी आपने देखा जीवन में शायद आजकल नहीं होता, गाय घोड़े को टांगे में जोड़ने से पहले बड़े मैदान में जब सिधाती है सिधाना यानी चक्कर में डालना, क्योंकि घोड़े में मोड़े मुड़नी है कभी दाई कभी बाई कभी किधर, तो पहले उसे एक चक्कर देती है, एक व्यक्ति और होता है जो पीछे चालक लिए होता है और वो चालक ने घोड़े को खड़े नहीं हो देता और वो चक्कर में डालता है, बड़ा लंबा रस्सा होता है घोड़े को चक्कर में डालोगे घोड़ा भागना आप देख रहे हो, लेकिन उसका जो मालिक है एक सिरा सेंटर में उसने रखा हुआ है, एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है वो चक्कर में नहीं है घोड़ा चक्कर में है, और रक्षा एक के हाथ में है चालक मार रहा है कोई और, अच्छा तो जो
اپنے ہاتھ میں سارے سنسار کو لیے ہوئے ہیں. سرسوا سرسوتی نام اس کی آگیا پردھان ہوتی ہے, وہ خود پردھان نہیں ہوتا. باقی جو کیویار ہو گیا, اچھا چونکہ وہ صرف سمرتا سرسوتی نام ہے, دور کی بات ہو گھر میں پتا جی کی آگیا پردھان ہے, میں تو سبزی لانی ہے ضرور پتا جی. مان لیجیے کہ آپ کو شیر کا راستہ بنا دیا کرو, میں بنا دیا کروں گی. بڑی بہنوں کا جو دکان کا بنائے گی نا, ہاں باقی گھر کے کام ہے دوسری گھر کے بہن کو, یہ تو ذمہ ضرور. کتنے خوشرو برتن دھوتی ہیں, برتن بجا یہ کپڑے دھوتی ہیں, یہ پریس کرتی ہوں نہیں. کیسے گھر میں پتا جی کی آگیا پردان, اس کو لاؤ اسکیل پہ لے لو, پرم پتا کی ساری اس چیز میں آگیا پردان ہے. بس انہیں کہہ دیا اور دیوی دیوتا تھر تھر کاپتے رہتے ہیں, تھر تھر کاپتے ہیں. کہا مالک کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں, اس کے حکم کئی حکم چلانے والا کوئی. ایک بار تمہیں بولیے کرو نا, مالک کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں, ان کے حکم کئی حکم چلانے والا کوئی. اور بھگوان کو کوئی حکم دے سکے ایسا تھا نہیں, ہے نہیں, کبھی ہوگا نہیں. بھگوان کی لاسٹ اور فائنل کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ, ان کی فائنل ہے اور ان کا کمانڈمنٹ بھی فائنل ہے. بھگوان کی کمانڈمنٹ کیا ہے, لاسٹ اینڈ فائنل, لاسٹ اینڈ فائنل سپریم کمانڈمنٹ. اس کے بعد اور کوئی کمانڈمنٹ نہیں کر سکتا. خیر بڑی دور کی باتیں ہیں, میں گیتا جی کو آپ کے لیے لا رہا ہوں. تو یہ جو کچھ بھی ہے, جتنا بھی کچھ آپ کو دکھائی دے رہا, یہ سب انہیں کے لیے اپنی اچھا سے ہو رہا ہے, سب کچھ انہیں سے. تو انسان نے کیا کیا, انسان نے ارادہ سنسار سمبندھی کر دیا. سنسار سمبندھی ارادے سے ترقی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ پرشن ہے گڑبڑ خیال سے, سنسار سمبندھی ارادے بدلتے ہی جاؤ گے. کیوں ترقی نہیں ہوئی, میں پڑھ لوں میں نوکری ہو جائے, اگر پھر بھی چھٹی ہوئی میری شادی ہو جائے, پھر چھٹی ہوئی میرا بچہ ہو جائے, پھر بھی چھٹی ہوئی میرے دوسرے بچہ ہو جائے, پھر چھٹی ہمارا مکان اپنا ہو جائے. مالی مکان تنگ کرتی ہے, مکان اپنا ہو گیا, چل کے پاس بھی دوسری میں کا ریٹائر ہونے والا ہوں, دوسری منزل بنانے کرایہ آگے چار تین چار ہزار روپئے کرایہ آئے گا, وہ بھی بنا لیا. پھر میرے لڑکے بھی اچھی نوکری پر جا رہا ہوں, میں کسی کو سروس پہ رشوت دے آؤں, بچوں کو سینڈ کروں, کیا بھی آپ لڑکے کی لڑکی کی شادی کی چیزیں گھر میں مسئلہ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں سے گریل آپ کو لگتی رہے گی. جب تک آپ سوسائی بنیں گے کہیں نہ کہیں سے کوئی کمی کوئی بیماری ضرور رہے گی. کیوں سنسار میں پرورتن ہے. اگر سنسار میں پرورتن نہ ہوتا, جیو کبھی بھی بھگوان کی ذات میں نہ رہتا. سنو میری دیوی, اگر سنسار میں چینج نہ ہوتی, کبھی بھی ہم آستک نہ بنتے, کبھی بھگوان کے پیارے نہ بنتے. سب کا پرورتن سے جیو تنگ آ جاتا ہے, سنپ ہو جاتا ہے, اور دس پاپا کے اخیر میں بھگوان کا پیارا رہتا ہے. مصیب کے پاپا کے اپنی منمانی کر کر کے جس کی لاسٹ ہے فائنل اسٹیج کہ ہم کیا بن جاتے, آستک بن جاتے ہیں. ہاں ہاں ہم فیس بنتے ہیں, فیس نہیں آسٹ ناسٹک, فیس میں آسٹک ہم بھگوان کے پیارے بن جاتے ہیں. لیکن کچھ کال سے شروع ہوا جب انسان ارادہ سنسار سمبندھی کرتا ہے. اب یہ بات کسی سے جاری جانی چاہیے تھی, کوئی بتاتا کہ سنسار میں آ کے ارادہ پھلتی نہ کرنا. سونے دیکھو جب کی شروعات جب سنسار سمبندھی ارادہ کیا جاتا ہے, جب کی شروعات یہی سے ہوگی. ارادہ کرنا چاہتا کر سکتے جو سونے مار منسمر ارادہ یہ کرنا تھا. گدا سناؤ سناؤ میری کلیان کا میں دے رہی ہوں, ہر زندگی گزار کے اور جو ہمارے پاس تجربہ تھا آپ کو دیکھیے جا رہی ہے, ہم آپ کی جھولی میں ڈال رہے ہیں. جب تک کوئی مان جاؤ گے ٹھیک, ورنہ یہ تجربہ آپ کو بڑا مہنگا پڑے گا. من مانی کر کر کے بڑا مہنگا, دکھ پہ دکھ, دکھ پہ دکھ, دکھ پہ دکھ. نہ بھکتی کرو تو جہان کی بھکتی کرو گے, جہان کی. ہاں اور جہان میں کئی ایشو ہے, کنٹنگ قانونی کی کئی جنم لگ جائیں گے, کتنی فیس دینی پڑی, کتنی آزمائش لوگی پڑی. اس لیے دانا آدمی دوسروں کے تجربوں سے لابھ اٹھاتے, یہ تو جھوٹ کا استعمال کرتے. ان کو طاقت دے دینا دانا وہ مانا گیا ہے جو انوبھوی کا تجربہ مان کے
سنا وہ مانا گیا تو گیتا جی تم سر اپنے جیون بنا لے اگر کروں میں خود تجربہ کروں گی اور مرو گی پھر چل پاؤں دکھ پاؤں کے زلیل ہو کے آتا مت کیا کروں گی من بنو گی تو صحیح لیکن بہت دکھی ہوں گے بہت دکھی ہوں بہت ہی زلیل ہونا پڑے گا انسان کا ہے میں تو اب تجربہ کروں کرو کیونکہ بڑا مرنا پڑے گا آپ کو اور اگر بھگوان کی کہنا مانیے جو ہے میری تعلیم پر بھگوان نے جواب کیا دیا وہ کرموں کے بندھن سے آزاد کوئی نانا پرکار کے دکھوں سے آزاد ایسا سوچا کرو ایسی اپنے دوسری میں کہتے کنگھی مار کے آیا کرو ذرا خوب کنگھی مار لی کہتے ایک ایک وال اور اندر کے روڈ کھل جائے اور یہ شاندار باتیں آپ کو بن جائے جب تک انسان بدھی میں بھکتی کا ارادہ نہیں کرتا تب تک اس کا ارادہ ہوتا ہے اور میرے بھگوان کا یہ کروڑوں روپے کا اعلان ہے انمول اعلان ارادہ نہ ہو جس کا رہے گا خیالوں میں یہ ٹینشن اس کو نہیں ہونے لگے جب تک اس میں بھکتی کا ارادہ نہیں رکھتے ہم الجھے رہیں گے ہم الجھن میں رہیں گے کیا ہم دودھا نے دوسرے کا لگاؤ دودھا اور دودھا میں دونوں گئے دودھا میں دونوں گئے مایا ملی نا رام دودھا میں آپ نے لوگ پرنام ضرور جاتا دودھا مطلب کیا کروں کیا نہ کروں نہیں سمجھ آتی دودھا میں اور جب بستی کر کے ارادہ رکھتی ہے بڑی جلدی تسلی رہتی ہے بہت جی بے کے ساتھ اور یہ جہان آپ کے آگے ماتھا پھیر دیتا جب آپ نے بھکتی کا ارادہ رکھا تو جہان نے کہا کیوں اور میں ایک ہو گئے کیوں اس کے چلانے والے بھگوان اور ہم بھکتی میں اپنے بھگوان کو خوش کریں پھر جہان مٹھا کر دیتے آپ کے آپ کی سبھی دے دیا آپ انسان کو آج کی پیڑھی کے نام کو پتہ ہی کوئی لائف کو پتہ ہی کوئی جتنی بھی ماڈرن جو ہے جنریشن ہے ماڈرن جنریشن ای آر سی ان کو پتہ ہی کوئی یہ نہیں کہ میں بہت پڑ جاؤں یہ دھن سوار ہے میں بہت پڑ جاؤں میں کروا لوں میں جاتا ہوں چاہتا ہوں شادی ہو جائے کام میرے کو بہت کار پور ہو جائے اس بات یہ سمجھتے ہیں یہ صرف سب اسی کا ہوگا یہ لوگ اور بھی بھگوان سے ہو لو پھر کیا ہوگا تسلی نہیں ہوئی کتنی نہیں ہوئی تو آپ ہلکے کتے کی طرح دھکے کھاؤ گے جیسے کتے کو ہلکے ہو جاتا ہے تو دھکے کھاتا ہے کئی دن کے جاب کیونکہ اندر اس کی آرام لگی ہے ہلکے کھاتا کبھی وہ کاٹتا پھوٹتا پھر منہ میں جھاگ نکلتا ہوا آخر میں تمام سے گرتا ہے دور جاتا ہے مر جاتا ہے طرف 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 کے مرتا ہوں سب کا اس طرح کا انسان طرف طرف کے مرتا یہ کر وہ کر دینی مانا باپ کو مانا پتا نہیں مانا پانی کے مانا اپنی منمانی کر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اخیر میں غم بے حساب کو دونوں کے رات آپ کی سن سکا ہے آپ کو بھگوان کا نہیں دی گئی ہو تو جو کیوں آئے منمانی کر کے کیا منمانی کی ہم نے جہان کی بھکتی کی کرنے کی بھگوان کی جہان میں تسلی نہیں دے سکتا جہان میں سیٹسفیکشن نہیں دے سکتا ایک آپ نے بیٹھ کے پہلے یہ وچار کیا کرو بھکتی دو پرکار کی جہان کی بھکتی بھگوان کی بھکتی تو کیا جہان کی بھکتی سے میری ترپتی ہو جائے گی نہیں کیا چاول کھانے سے ترپتی ہو جائے گی نہیں کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں بھگوان بھلا چاہیں کیا کیا کہہ رہے پاپڑ کھانے سے ترپتی ہو جائے گی نہیں کیا وہ جو مریا ہوتی ہیں کیا وہ تو پچ ہو جائے پھر مریا سے ترپتی ہو جائے گی نہیں کئی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو یہ ترپتی ہوگی نہیں ترپتی کم ہونی ہے جب گیہوں کے پھلکے اور دال ہوگی یا سبزی ہوگی آپ کرتے ہوگی کیونکہ جو طاقت گیہوں کے آٹے میں ہے وہ طاقت باقی چیزوں میں نہیں ہے چاول چوریا بیچ میں نہیں ہے جو ڈھائی کے بعد پھر بھوک لگے گی اس لیے کیا سنسار کے پرانے پدار سے ترپتی ہو جائے گی یہ تو کیا یہ تو پھل بڑھیا ہے دیکھنے میں زیادہ لگ جاتی ہے لیکن ان میں شکتی میں طاقت نہیں ہے اگر طاقت ہے تو بھگوان کی بھکتی ہے ویس کے سوچ بات ہے ایسے سالوں کا یہی لابھ ہے میں یہی گیتا جی کا ادیش آپ کو دینے نہیں آیا میں بھگوان کا سندیش دینے آیا ادیش تو بھگوان جی دے دیتے ہم کی بھولی بات کو یاد کرواتی ہیں اسے میسج بولتی ہے سندیش بولتی ہے ہم آپ کو بھگوان کا سندیش دینے آیا ہے سب جانے آئے گئے جس طریقے سے آپ رہ رہے ہو اس سے کچھ نہیں بننا پھر پیٹ کے مر جاؤ گے بڑی محنت کرنی پڑے گی ملنا کچھ بھی نہیں جیسے پٹیا پہاڑ نکلا چوہا پہاڑ کھوتے کھوتے مر گئے اور پھر چوہا نکلا وہ بھی سارا مویا ہوا پٹیا پہاڑ نکلا چوہا مویا ہوا اتنی محنت والی اتنا کچھ کیا کیا الٹا دکھ اور بڑھا دیتے بدھی اور خراب کر دیتے کئی مصیبتیں سہیل دی لینے کے دینے پڑ گئے لینے
कोई पैर तोड़ा था, पैर को वंदे मारा था, पैर लगे पति थे पैरों से भट्टा मारा, हाँ तो लेने के लेने पड़ गया, क्या होगा। एक भट्टा कतियों की छत्ते को लग गया, कतिया पीले रंग वाले, और एक भट्टा वहां लगा, कितने तकिए निकल आए, देर खाते खाते कतियों ने कट कर इसे बोलते लेने के देने पड़ गए। हम तो मीठे देर खा लेते हैं, ये थी ना थी की गोलियां लगी, जो हमारे पीछे पैसे कितने डंक मारे उन्होंने, ये तो लेने के देने। जीत आजकल के भोले वाले जी भगवान को छोड़ करके बच्चे तो मान लिया, इसके साथ लेने के देने पड़ जाती है, नौ प्रकार के जो कहा दी कर दी कर दी तकियों को तेरे पकड़ लेती, जैसे आप खुद ही प्रसिद कर रहे हैं योर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जीते तो आपको श्रम बना देती है, गीता ऐसा मेरे भगवान जी का उपदेश है या ज्ञान है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, दैनिक अपनी स्टेप एक एक पद जो रखते हैं भगवान का उपदेश काम आता है। हम बड़ी शाम बन जाती है, हम दूरदर्शी बन जाती है, मेधावी बन जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है और भ्रमण को काट के जाती है। जब शांत रहती है तो जरूरी होता है जो बड़े संसार में हम नहीं आते, वो संसार को दुख भरो में जब हर परिवर्तन हो, तन में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, बुद्धि परिवर्तन, परिवार में परिवर्तन, अपने शरीर में परिवर्तन, हाँ राज्य में परिवर्तन नहीं होता, यदि देवताओं में परिवर्तन, वाह हर बार परिवर्तन होता है। ये संसार विचार परिवर्तन बात बात में वो संसार फिर दुस्थायी बन जाता है, ना कि कोई चीज स्टाइल स्थिर नहीं, स्टेबलाइज नहीं। आप अपने घर के देखो, आपके माँ बाप ने अच्छी जिंदगी काट लिया है, देख लो आपकी बड़ी बहन अच्छी जिंदगी काट रही है, आपका बड़ा भाई जो ब्याह अच्छी जिंदगी काट रहा है, देख लो मुझे कोई खराब कर बताए तो खराब मेरी बड़ी अच्छी जिंदगी, अर्थात उसको कभी बेचैनी नहीं हुई, कभी बेकरारी नहीं हुई, कभी रात उसको खराब नहीं हुई, कभी सांस उसको कभी नहीं भरे, ऐसे दुनिया में एक भी नहीं रिश्ता होता। इस परिवर्तन से संसार में कौन ऐसा रिश्ता थे जहां से परिवर्तन और जो हमने कभी नहीं सोचा वो घटना घट जाती है, अपूर्व घटना घटती है। तो कैसे हम अपने मन को पकड़े, कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें, मन विचार बेकरार हो जाता। ये जो आत्महत्या करके कौन, ये वो घटना उनके जीवन में घटती है जो उन्हें कभी सोची नहीं थी। बेटे आत्महत्या वो करते हुए जीव ऐसी जो घटना जो उन्हें कभी कहीं सोची नहीं वो घटना घटते नहीं सच्चाई होता। मेरा जी का क्या कहेंगे जब दिल ही टूट गए, भगवान का ज्ञान तो शुरू से मिलना चाहिए। पांच साल के बाद जब बच्चे को छठे साल में तैयार जाता है शुरू हो जाना चाहिए भगवान का उपदेश, शुरू हो जाना चाहिए उनकी समाज के ऊपर सिताए न दाना को मरे तरफ होगा न जीते का गम, शुरू हो जाए उसकी बुद्धि खुलनी शुरू हो जाए। शाबाश भाई, मां प्रंतु के बच्चे को जन्म के बाद ही देना शुरू कर दे, लेकिन गीता ज्ञान का दूर तो पांच साल के बाद शुरू हो जाए, क्योंकि पांच साल का बच्चे को समझ नहीं की कुछ कुछ टैलेंट की शक्ति आने लग जाती है। इसलिए हमारे व्यास जी का बच्चे का पैर छठे साल में जाए सारे से गीता का उद्देश्य है, तत्काल उसके अंदर डालो ताकि वो समझी संसार क्या है, उसको पता लगे परिवर्तन का नाम संसार है। बच्चा पूछेगा पांच साल में परिवर्तन ये तो विवेक से कहते हैं बच्चे, देखो ना श्री श्री सूर्य निकला ना, हाँ उसके बाद सूर्य कितना तेज हो गया, हाँ फिर कितने पसीने आए, हाँ फिर सूर्य कितने नीचे हो जाता है, हाँ सूर्य एक जैसा रहा, जो बच्चे एक जैसा ना रहे उसे तब्दीली कहते। अच्छा तो मैंने माँ की गोद में था ना, हाँ फिर तो आंगन में गिरने लग गया ना, हाँ आपको स्कूल जाने वाला चैप बन गया स्कूल फिल्म चैप, फिर में कितने परिवर्तन आया इसी परिवर्तन कहती है। हाँ संसार में तो क्या परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तनशील संसार में ना परिवर्तन होने वाले भगवान का भजन हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है, जो आज मेरे करोड़ों बच्चों को पता चले नष्ट कर रहे परिवर्तनशील संसार में उसकी भक्ति करनी थी जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। देखो भगवान का प्यारा क्या कह रहा है, परिवर्तनशील शीघ्र स्वभाव, कैसा संसार जिसका स्वभाव बदल जाना है, कैसा शील मेरे स्वभाव बच्चे सुशीला जिसका स्वभाव बहुत अच्छा हो, सुशील जिस गुड निचल फैलो, गुड निचल तो फैलो का बोलते हैं सुशील, गुड निचल लेडी सुशीला जिसके शील बहुत अच्छा स्वभाव बहुत अच्छा है, बस यहां का नाम चलती है धर्मशील जिसका स्वभाव धार्मिक है, धर्मशील
उसकी बुद्धि में धर्म है, मन में धर्म है, कार्यों में धर्म, उसका नाम रखा जाता है धर्मशील। कौन थे बाबा? युधिष्ठिर जी, धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्मशील। अच्छा चाबा चाबा और शतानशील विरोधन, जिसके एक एक प्रक्रिया में शतान छपा। सजलो यही से इंसान के दुख शुरू हो गए, जो भक्त बुद्धि में भक्ति है। और एक जीवो तो यह हमने बनाना, अब जब कोई देर बदलती है और भक्ति रख लेती है तो क्या वो दुख हमने सहे थे, अब वो अज्ञातता से अब ध्यान आ गया और दुख भी नहीं थे। तब हम दिन बदल भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे, हमारा अंदर का जीव आत्मा दिन बदल भगवान, पहले क्या कर दिन बदल भगवान से दूर होते जा रहे थे। काम में गए क्रोध में गए, अगर बार मुखी में क्या होंगे, काम में जाएंगे क्रोध में जाएंगे, मोह में जाएंगे, लोभ में जाएंगे, अहंकार में जाएंगे, राग में जाएंगे, और दूर और दूर और दूर और दूर। हमारे हिंदू धर्म में पाप पुण्य की परिभाषा यही तो है, क्या जो क्रियाएं भगवान से दूर करे वो पाप, जो क्रियाएं भगवान के नजदीक ले चले वो पुण्य है। कितना अच्छा व्यास देता, कितना बढ़िया परिभाषा दी, किसी कंट्री में ऐसा नहीं समझाया गया। जो क्रियाएं हमें भगवान से दूर कर दे वो पाप, और जो क्रियाएं में भगवान की नजदीक ले चले वो पुण्य। जब इंसान ऐसा जानता है तो जन्म धन पुण्य करे जाता है, अंतर्मुखी जाता है, अर्थात भगवान का प्यारा बन जाता है। कुछ समझ आ जाती है कि तृप्ति तो यहीं से होती है, तृप्ति किसी और चीज से, उसको तृप्ति दे देती, माँ भी देती, पिता देते, भाई देती, भाई देती, पति देती, पति देता, तृप्ति दे देते, दान देता, लेकिन तृप्ति तब इनमें परिवर्तन हो गया। इनके काम बदलती है, इनके मन बदलती है, इनकी बुद्धि बदलती है, इनके वातावरण बदलती है। आय 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 पूरा लिखे इंसान बेवकूफ बन रहा है, इसे समझ नहीं आ रही। फिर संसार पे लट्टू, संसार के पदार्थों पे लट्टू, संसार के इकाई पे लट्टू। रब भी आपके समझाए, अगर मैं थोड़े भी व्यक्ति को समझा दूं तो मेरे रब खुश हो जाएंगे, इतने समझ जाए तो जहां के प्राणी पदार्थ तृप्ति नहीं दे सकते, तृप्ति नहीं होगी तो मन बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा। तृप्ति के बाद मन की हलचल बंद हो जाती है, मन टिक जाता है, टिका हुआ मन भगवान की भक्ति करता है, भटका हुआ मन जहान की भक्ति करेगा, टिका हुआ मन भगवान की भक्ति करेगा। टिके हुए मन से जब भगवान की भक्ति कोई न करे, ना अग्नि न व्यापि न पाहि, यो ज्ञान अग्नि में जाते हैं, जल मुरे हो मन जब है, सब संस्कार खत्म हो गया। जब जी ने भगवान की भक्ति का पक्का इरादा किया, बस भगवान के पिता कितना दुराचारी था, अब उसे साधु महात्मा समझ लो, क्योंकि इरादे में यह की यक्ष समझ लो, अब इससे कोई जल्दी महात्मा बन जाता है, क्योंकि इसको समझ आ गई है कि मेरा कल्याण भगवान की भक्ति करने में है, मेरा कल्याण प्रभु की ओर जाकर नहीं है। मैंने थोड़े से समय में, अब देखो ना इतने समय में तो सिर्फ आउटलाइन दे सकता हूँ ना, जैसे रूपरेखा ड्रॉ कर सकता हूँ, मैंने आपको लाइन के ऊपर खड़ा कर दिया। तो जब तक इंसान ईश्वर की भक्ति में प्रेमी नहीं लगेगा तब तक दुख बढ़ते जाएगा। तो गीता दुखों की जड़ें काटने नहीं करती है, गीता दुखों की जड़ें काटती है। कब ये कह करके क्या 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 वो भक्ति समेल ली मुझे जान दे, ये कह करके क्या क्या वो तन मन से करता है भक्ति मेर का दुखों की जड़े गई। और मेरी लाडली बेटियों मेरे अच्छे भाइयों, और मेरी माताओं हो कल्याण कामी सजनो, जब इंसान ने भक्ति की, भक्ति का इरादा कर ली, बस रेलगाड़ी के तीन चार पहिये क्या डिलीन हो गए, पहिये उसकी लाइन की पटरी से नीचे आ गए, उधर से क्रेन आया, उसने डब्बों को घाटों पर था, बस जो पहिये थे वो लाइन के ऊपर आ गए, अब लाइन भागेगी, बस थोड़ा सा निर्णय से काम क्या है, आपकी बुद्धि और मन के पहिये उतरे पर होते हैं भगवान की लाइन से, नहीं जाते क्रेन जब ऊपर का काम करते हुए आपको भक्ति के ऊपर रख देते हैं, बाबो भागो मेरा धर्म पूरा, अब आप दौड़ जाओगे। मेरे कैसे सब कुछ क्रेन होती है, ऊपर होती है, उतने मन बुद्धि के पहियों को ऊपर रखने के लिए, कौन सी जो भगवान जी ने भक्ति की लाइन बनाई है, आप जब तक जाओगे उससे नीचे उतरी पड़ी होती है, हमारे जैसी ज्ञान के कुकर से ऊपर रख देते हैं। बाकी आपकी मन बुद्धि भगवान की भक्ति की आवश्यक हमारे जैसे का ऊपर तभी खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, वो तन मन से करता है, अब आप
ਮਰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਦੁੱਖੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸਜੀ ਤੋ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਰੇ ਮਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਗ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਯਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਤੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਪੜਾਈ ਕਰੋ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨ ਖੁਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਬੱਚੀ ਬਣਾਓ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਾਸ ਬਾਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਰੋਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਹਾਂ ਕਾਰ ਬਚਾਏਗਾ ਤੋ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ ਇਸਸੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜੀਵੋ ਪਰ ਹਮੇ ਤੋ ਇਤਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਆਈ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਾਂਝ ਕੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਰਦਿਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ।